से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर आज सुल्तानपुर में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा के इस प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन भी बेहद सतर्क रहा। हाल ये रहा कि जगह जगह पुलिस ने घेराबंदी की थी और हालांकि प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और सपाइयों में झड़प भी हुई। अंत में कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने सपाइयों को हिरासत में लिया और बस में भरकर पुलिस लाइन ले गए। हिरासत में होने के बावजूद सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। क्या प्रदर्शन था, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई उनकी जो है गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया है। किसी तरह की कोई घटना तो नहीं? कोई दुर्घटना सब ठीक ठाक हो गया। कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और अगर ये व्यवस्था हम लोगों को उचित व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो आने वाले समय पे हम लोग इसकी सक्षम अधिकारियों तक शिकायत भी करेंगे और आने वाले समय में इन मांगों को, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको भी ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे। विधायक जी, आप लोगों ने किसान बिल के विरोध में आज प्रदर्शन किया, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, यहाँ पे लगभग एक घंटे हो गए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या व्यवस्था? जबकि यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि लिखना पढ़ना बंद करो, खाने की व्यवस्था को, क्या कारण है? देखिए, पुलिस का एक दायित्व है, प्रशासन का एक दायित्व है कि अगर उन्होंने हमको किसी राजनीतिक आंदोलन में गिरफ्तार किया है तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं पानी की, चाय की, भोजन की, वो करना उनका दायित्व है। और हमारे कार्यकर्ता सुबह से निकले हुए हैं, पुलिस ने इतना बल प्रयोग किया है, इतनी अभद्रता की है कि कार्यकर्ताओं को भोजन की ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए वो नारे लगा रहे हैं। और ये चूंकि हम कस्टडी में हैं, इस नाते जाहिर बात है हम अपनी तरफ से भोजन का प्रबंध कर नहीं सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में मात्र कागजों पर है, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस का राज कायम है। और यही वजह है कि चूंकि ये सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है, अंबानी और अडानी की गुलाम है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि किसान समर्थन यात्रा जैसा शांतिपूर्ण कार्यक्रम करने में भी हम लोगों को बाधा डाली गई। 5 तारीख से 14 तारीख के बीच में ये तीसरी बार मेरी गिरफ्तारी हुई है
और इस बात का प्रमाण है कि पुलिस किसी भी तरीके से किसानों की आवाज को जनता के बीच में नहीं जाने देना चाहती है। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।